हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब? आ जाओ, पहले ऑनलाइन आ जाओ एक बार। कृपा जोशी ज्वाइंड, ए एस आमिर ज्वाइंड, आई एम मिस्टर मुकुश ज्वाइंड। हेलो कृपा जोशी, आ जाओ पहले एक बार, सबके सब आ जाओ। मिस्टर कुछ बोल रहे हैं, मोहित भाई, हे ब्रो। जैकी एमजे, हेलो। श्रुति, यारी हैप्पीएस्ट बर्थडे, थैंक यू श्रुति। तो आ जाओ एक बार। जिज्ञासा कह रही है, हाय मोहित, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। जिज्ञासा, जिज्ञासा कहाँ पर यार, तू बहुत दिन हो गए मिले हुए हैं। संजू कह रहा है, हाय मोहित, हाय संजू भाई, अमित जी, थैंक यू भाई। मिस राइटर कह रही है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू मिस राइटर। तो दीपक भाई ने भी विश किया है, थैंक यू दीपक। तो यार अब देखो, मेरे को ना तुमको बहुत सारी बातें बतानी थी, पर मैं कुछ कुछ ही करके बताऊंगा। ऐसे मैं क्या, हर बार ना बहुत सारी बता देता हूँ और हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़। तो कालरा, थैंक यू मेरी जान, दीपक कालरा, ओए होए। तो भाई मुझे ना तुम सबको ही एक बहुत ही शानदार सी बात बतानी थी, जिसके लिए मैं लाइव आया हूँ अभी। और मैंने अपनी स्टोरी पर भी डाला था कि कुछ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ किसी बात से, तो वो तुम सबको बताऊंगा। वो ये है कि आज ना अपना बर्थडे तो है ही, पर उसके साथ में एक और चीज ये है कि अपन आए हुए हैं जी शिमला। शिमला और आसपास की जगहों पे हम आज से शुरुआत कर रहे हैं अपने नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो के शूट की। तो अपना म्यूजिक वीडियो शूट स्टार्ट हो चुका है आज से, और कल परसों और फिर 10th को हम वापस मुंबई आ रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट म्यूजिक ये वीडियो या नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो आने वाला है, और आज ही, आज से उसका मतलब शुभ मुहूर्त शुरुआत हो चुकी है। उसके ऑडियो, ऑडियो बन गया था उसका, उसका नाम क्या है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, सबकी सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे कर कर दूंगा, एक साथ सारी नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, आज जस्ट हम मुंबई से ट्रैवल करके यहाँ शिमला आए हैं। तो ये बात मेरे को अंदर से बहुत खुश हो रहा था यार, मैं कि है ना यार, इतने दिन हो गए तुम सबको गाना सुनाया कोई नया, और अब आ रहा है नया सॉन्ग, उसका म्यूजिक वीडियो अभी शूट होने ही वाला है। तो यही सब तुम सबको बताना था। इसी खुशी में मैं डोल रहा था, मद मस्त हो रखा था इतने टाइम से, आज के पूरे दिन में ऐसे ही था खुश। तो अब मेरे को मौका मिला तुम सबको बताने की ये बात। वाह, दीपक कह रहा है वो मुझे पता है बट बताऊंगा नहीं। दीपक को तो पता ही था पहले से, इस प्लानिंग के हिस्से में उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो श्रेया मिश्रा कह रहे, डूड हाय ब्रजेश आर्टिस्ट। काला यश मेरा छोटा भाई, वो कह रहा जन्मदिन की बधाइयां, थैंक यू मेरे भाई। तो अपन आ चुके हैं यहाँ पे म्यूजिक वीडियो यार अपना शूट करने, मस्त खुश हूँ यार मैं, मतलब बहुत ज्यादा बताओ। क्योंकि जैसे मतलब होता है ना कि अच्छा किसी की बर्थडे होती है तो कोई विश, क्या बर्थडे विश होती है ना, हाँ। तो मेरी बर्थडे विश, मुझे तुम सबसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे ना देने हैं तुम सबको बहुत सारे गाने, तो है ना मैं बस वही चाहता हूँ, और बहुत सारे गाने तुम सबको सुनाता रहूँ जो भी मेरे पन्ने बनाए हैं। तो ये जो गाना है मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है, और इस गाने का नाम वाम मैं बताता हूँ, और कल तुम्हें और भी सारी चीजें जानने को मिलेगी इस सॉन्ग की शूट के बारे में, क्योंकि कल इसकी मेन शूट शुरू होने वाली है शिमला में और आसपास की लोकेशंस में। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं आज, तो कल स्टोरीज पे देखते रहना, और तुमको बहुत सारी और इनसाइट्स पता लगती रहेंगी। बाकी सब बढ़िया है, सब प्यारा है, और बहुत ही मजे आ रहे हैं। और इस गाने के बारे में एक बात मैं तुमको बता देता हूँ कि ये गाना ना अपने मतलब बहुत ही दिल के बहुत ही करीब है, और वो तो बहुत सारे अपने सारे गाने होते ही हैं, लेकिन ये गाना इसलिए भी मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट गानों में से है, क्योंकि ये वो फर्स्ट गाना है मेरी लाइफ का जो मैंने गिटार पे बनाया था। मतलब ये तब की बात है जब मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकर्ष बवेजा, तो उसने मुझे जस्ट गिटार सिखाया ही था, और सिखाया था थोड़े दिन हुए थे, उसने मेरे को डी मेजर कॉर्ड और कुछ ऐसी कॉर्ड सिखाई थी, डी मेजर कॉर्ड की फैमिली सिखाई थी, तो उस पे मैंने ये सॉन्ग बनाया था। तो मेरा पहला लाइफ का गाना जो मैंने गिटार पे बनाया था,
इससे पहले जितने भी सॉन्ग्स मैं कंपोज करता था, लिखता था, वो सारे ऐसी हवाओं में बनते थे। बस धुन बनाता था उसकी कुछ भी, और उस पर लिरिक्स लिख देता था। पर ये मेरे लाइफ का पहला सॉन्ग जो मैंने गिटार पे बनाया है, तो आज से 6-7 साल पहले बना था ये। आज से 2-3 साल पहले पूरा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया था इसका, पर अब जाकर इसका म्यूजिक वीडियो बन रहा है प्रॉपरली, अच्छे से मस्त। तो बस ये मेरे आज की बहुत ही शानदार वाली खुशी थी। और खुशी ये सब तो थी कि तुम सबने बहुत प्यार से विशेस भी किए काफी सारे लोगों ने। मैं डीएम्स भी चेक करा था, सारे चेक नहीं कर पाया, पर जितने भी आप सब लोगों ने विशेस किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मतलब कहते हैं ना एक फैमिली की तरह जो अपन सब हैं उस तरह बने रहने के लिए बहुत 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 थैंक यू। ऐसा तो बस ये यार, मेरे को भी तुम सबको बहुत सारे गाने सुनाने हैं, बहुत सारे। तो विभू गौतम कह रहे हैं हेलो ब्रदर, हैप्पी बर्थडे, वेटिंग फॉर ओडिसी। अरे यार क्या बात है। तो विभू गौतम भाई अपने मेरे को एमिटी में मिले थे, और अभी ओडिसी में 2019 में जब मैंने अपने ही कॉलेज में परफॉर्म किया था 2 मार्च को, तो वहाँ ये भी कोर कमिटी में थे। और विभू शायद फोटोग्राफर भी हैं बहुत अच्छे। तो चैतन्य कह रहे हैं आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। थैंक यू चैतन्य भाई, वाह यार मजा आ रहा है मुझे, और एक अलग ही सुकून है बहुत ही प्यारा सा। और मैं तुम सबको यही बताऊंगा ये क्यों, मैंने एक थोड़े दिन पहले अपनी स्टोरी पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया है मैंने, तो तीन तीन ही दिन मैंने 3 ही क्लासेस ले पाया हूँ अभी स्विमिंग की। वो भी मैंने क्यों सीखी वो मैं तुम सबको बताऊंगा, वो एक और कहानी है, एक और सॉन्ग की कहानी है, तो उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। पर पहले इसके बारे में थोड़ा तुम्हें जानकारी दूंगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। वो गाना है ना टोनी कक्कड़ का, बहुत शानदार वाला था, वो धीमे 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 धीमे। तो याशिका कह रही है एक बार कपकेक वाला सॉन्ग प्लीज। अरे वाह यार, मेरे पास यहाँ पे गिटार भी पड़ा है, पर जो मैं स्टैंड स्टैंड तो लाया हूँ नहीं गिटार का, कोई भी मतलब वो स्टैंड तो लाया हूँ नहीं, तो ऐसे सुना देता हूँ। कि एक लड़की थी जिस पे क्रश करता था, रेक ब्लश करता था, और क्या करूं नाम उसका था आयुषी, डर लगता था सहमा रश करता था, कि क्या कहूं। फिर उससे बात होने लगी तो दिल दीवाना होने लगा, बढ़ रही थी दोस्ती और बस यूं ही हंसी खुशी मैं उसको कहने लगा, कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है। तो कपकेक सॉन्ग तुमको सुनाया कितने 4-5 साल उसके बाद में फिर आया, फिर मुझे दिल से पुकार तू, गलत फहमिया, फिर मांगी दुआ, मामा माय बेबी बी माय वैलेंटाइन, वहीं कृष्णा से जाके कह दूंगी। और अब आने वाला है प्यार में बनाया था यार ये गाना, सारी प्यार में बनाया, लेकिन अरे बाप रे। आकाश कह रहे हैं अपने स्पीकर पर हाथ रख दिए हैं सर, सही कह रहे हैं भाई, मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मतलब मैंने स्पीकर पे हाथ रख रखा था। जयंत भी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही मोहित भाई, अब आ रही है आप सबको आवाज मेरी, क्या आप सब मुझे सुन सकते हो या अभी भी नहीं सुन सकते हो? नहीं, अच्छा आई थिंक एक कॉल आया था अभी मुझे, उसकी वजह से
शायद नहीं आ रही थी वॉइस, अब आ रही है। मन्नू ऐसे कह रहे हैं, अक्की प्रशांत चौधरी, बिल्कुल भाई। अरे कैसे हैं प्रशांत भाई, तबीयत कैसी है आपकी? अब मुझे लग रहा है आप बढ़िया हो गए होगे। आप तो प्रशांत भाई और मैं फ्लैटमेट्स हैं, मुंबई में साथ में रहते हैं हम दोनों भाई। तो प्रशांत भाई की अभी कल परसों तबीयत खराब हो गई थी, तो अब आई थिंक वो एकदम मस्त एकदम सही हो गए होंगे। और जीत कह रहे हैं अब आ रही है। हाँ वाह यार, तो है ना ऐसे ही मैं तुमको कुछ, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, जिस जगह तू होता है। बस इतना ही सुनाऊंगा अभी। मेरा गला ना उतना अच्छा नहीं है यार। मैं क्या सुबह से, अपन पहले आए मुंबई से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से रोड ट्रैवल करते करते हम आ गए यहाँ शिमला, शिमले। अरे वो गाना सुना है तुमने, बहुत ही प्यारा गाना यार। वो गाना नहीं गाया, शिमला आकर तो क्या गाया। मतलब ये मेरे सबसे फेवरेट गानों में से एक है। मोहित चौहान जी की वॉइस में मैंने सबसे पहले ये सॉन्ग सुना था, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। रुक जाओ, एडजस्ट कर लूँ क्या है, वो तो लाया हूँ नहीं मैं कैमरा स्टैंड, तो अभी जुगाड़ ही करना पड़ेगा। प्रशांत भाई ने सही पकड़ लिया गाना, बिल्कुल भाई। माए नी मेरी ये शुमले दिराए, चंबा कितनी दूर है। माए नी मेरी ये शुमले दिराए, चंबा कितनी दूर। शुमले नी वसना, कसौली नी वसना, शुमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर रे, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी ये, तो ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मज़े आ रहे हैं यार, वाह। तो हाँ थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए और मेरी इस छोटी सी कॉन्वर्जेशन का, कई लोगों को बड़ी भी लग सकती है, तो इस छोटी बड़ी कॉन्वर्जेशन का एक पार्ट बनने के लिए, मेरी लाइफ का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस, और बहुत प्यार करता हूँ तुम सबसे यार। और बस यार फील है मेरी तुम सबको, मेरे को बहुत सारे गाने सुनाने, तो अपन सुना के रहेंगे। तो ये शूट कंप्लीट करते हैं आप सबको, और अपडेट्स देते हैं आप सबको, और फिर जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। ओए सुनो यार, आई लव यू, आई लव ऑल ऑफ यू, जितने भी लोगों ना देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, सबको बहुत प्यार करता हूँ मैं, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय, गुड नाइट।